गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे हैं। हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये कच्चे आम की खट्टे मीठे अचार की रेसिपी, पिकल की रेसिपी शेयर करूँगी। और ख़ास बात ये है कि आज ये रेसिपी मैं नहीं बनाऊँगी, मेरी मम्मा बनाएंगी। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ मेडिकल इशू था तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करें। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो हमारे पास आम है इनको अच्छे से वॉश करना है, मतलब धो लेना है। धोने के बाद इनको अच्छे से ड्राई करना है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इसमें। इसके बाद हम इसे पील करके और कद्दूकस करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंगो को पहले हमें छीलना है, पील करना है, उसके बाद हम इसे इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। देखिए हमारा सारा आम अच्छे से कद्दूकस हमने कर लिया। ये देखिए मेरी मम्मी है जो आज आप लोगों के साथ ये आम का खट्टा मीठा जो अचार अभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे वो शेयर करेंगी। तो आपको जो टिपिकल जो दादी माँ के हाथ का फ्लेवर है वो मिलेगा आप लोगों। चलिए पहले जान लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये हमारे पास जो हमने दिखाया था कद्दूकस किया हुआ आम, तो अगर आम हाफ के जी है सेम क्वांटिटी में हमें शुगर भी चाहिए। इसके अलावा मसालों में हमने लिया है गरम मसाला, सौंफ का पाउडर, ये मेथी दाना का पाउडर, काला नमक, प्लेन नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और जो हम नॉर्मल जो चिली खाते हैं वो अगेन जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और मम्मी बताएंगी। गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और अब हम इसमें ये देखिए ये जो हमारा कद्दूकस किया हुआ वो आम था वो हम इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, और हमारा जो ये गैस का स्टोव का फ्लेम होगा वो बिल्कुल स्लो होगा। अब हम इसमें अपना चीनी भी ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे। अब हम दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे कवर करके छोड़ देंगे। बीच बीच में आप इसको हिलाते रहेंगे। ये देखिए इसमें हमारा जो चीनी है शुगर वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो रहा है। अब हम इसमें अपना जो मसाला है वो ऐड करेंगे। पहले हम इसमें दोनों नमक ना, दोनों जो हमारा प्लेन नमक है स्वाद के हिसाब से, ये काला नमक, ये कश्मीरी रेड चिली और ये नॉर्मल चिली जितना तीखा आप पसंद करते हो, ये सौंफ का पाउडर और ये मेथी दाना का पाउडर। अभी हम सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून टर्मरिक हल्दी पाउडर भी इसमें डालेंगे। देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें एंड में अपना गरम मसाला और इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसमें गरम मसाला और इलायची पाउडर, इसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे। मेक श्योर जो आपका कंटेनर हो वो काफ़ी अच्छे से सूखा हो, ड्राई हो, उसमें पानी बिल्कुल ना हो और कांच का हो। और आप इसे एक साल तक आराम से रख सकते हैं और पूरी पराठा या रोटी किसी भी चीज़ के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत जल्द आप सभी से मिलूंगी फिर किसी नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। सो सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।